What's up, everybody? Welcome back to my channel, Basically Felicia. If you're new to my channel, then do like, share, and subscribe. And please press the bell icon so that you will be notified each and every single time I will be online. और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज सेंट साइमन के बारे में. अब ये सेंट साइमन कौन है, आखिर मैं आपको इनके बारे में क्यों पढ़ा रही हूँ, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है, अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो डिफिकल्ट पार्ट होता है वो होता है सोशियोलॉजी की थ्योरीज प्लस जो थिंकर पार्ट है, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट. तो मैंने सोचा शुरुआत से, ठीक है, जितने भी जो थिंकर्स हैं, जो भी आते जाएंगे, उन सब रिलेटेड मैं वीडियोज़ बनाते जाऊँगी, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको वो पसंद भी ज़्यादा आ रहे हैं एंड इसके कारण से काफ़ी अच्छा होगा, आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले सेंट साइमन जो है, ही वॉज द टीचर ऑफ ऑगस्ट कॉम्ट, हु इज फादर ऑफ सोशियोलॉजी. अगर आप समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होगी कि हु इज फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो वो है ऑगस्ट कॉम्ट. और ऑगस्ट कॉम्ट के भी जो टीचर हैं वो कौन है, वो है सेंट साइमन. इनका पूरा नाम जो है सेंट साइमन का, दैट इज हेनरी दे सेंट साइमन. He belonged to Saint Simonism, Socialism and Utopian Socialism School. ठीक है, तो अगर आपको पूछे कि ये कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं तो उनका नाम है Saint Simonism, Utopian Socialism and Socialism. अब ये सब होता क्या है, तो इनकी जो विचारधारा थी, Saint Simon की जो विचारधारा थी, उस स्कूल के जो लोग होते थे उन्हें हम Saint Simonism के स्कूल के लोग बोलते हैं. Utopian Socialism इन्हें Karl Marx बोलते थे कि ये यूटोपियन सोशलिस्ट हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि फ्यूचर में जो हमारी सोसाइटी है ना, वो बड़ी प्यारी सोसाइटी रहे, बहुत ज़्यादा मारपीट ना हो और सब लोग भले चंगे से रहें, तो ये वाली चीज़ थी, इसलिए यूटोपियन सोशलिज्म. और इन्होंने इंडस्ट्रियल क्लास के बारे में बहुत कुछ लिखा, बहुत ज़्यादा लिखा इनफैक्ट, तो उससे रिलेटेड इनका बेस्ट वर्क्स है. किससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, नंबर वन फ्रांसिस बेकन, देन जॉन लॉक, आइज़ैक न्यूटन, ये सबसे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं. और यहाँ तक कि आइज़ैक न्यूटन से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है कि अपनी जो सोशियोलॉजी आगे चल के बना, उसका पहले नाम सोशल फिजिक्स था, ठीक है, तो इतने ज़्यादा ये प्रभावित थे, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. और आगे बात करेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें लिखी, कौन कौन सी किताब लिखी, तो इस किताब का नाम था डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, दिस वॉज द मैनिफेस्टो, डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स जो है, जिसमें उन्होंने इंडस्ट्रियलिज्म के बारे में बात करी और उन्होंने इंडस्ट्रियल क्लास को डिफाइन किया कि ये लोग जो होते हैं इंडस्ट्रियल क्लास के लोग, ये बहुत प्रोडक्टिव वर्क करते हैं और इनके कारण से ही हमारा समाज जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है. और दूसरे जो होते हैं वो है आइडलिंग क्लास. आइडल क्लास जो होता है वो वैसा क्लास है जो कि बहुत पैरासाइटिक एक्टिविटी करते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, बिल्कुल वेल्ले हैं और ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के ऊपर, ठीक है, और इसीलिए लेजीनेस ऑफ ह्यूमैनिटी के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ कहना चालू किया. प्लस थोड़ी सी बायोग्राफी के बारे में जानते हैं, वॉज बॉर्न इन पैरिस और आगे चल के ये चले गए अमेरिका. ही वॉज वेरी एम्बिशियस, ओके, बचपन से ही वॉज वेरी एम्बिशियस, कुछ बड़ा करना था, करके दिखाना था, तो उस समय अपना जो वॉलेट तक रखे थे वो, उसमें लिखा होता था कि तुम्हें कुछ बहुत बड़ा करना है. और हर सुबह जब वो अपना वॉलेट खोल के देखते थे तो लोग जैसे कि उसमें पैसे रखते हैं अपने वॉलेट में, माँ बाप का फोटो रखते हैं, अपने अपना फोटो रखते हैं, ये उसमें लिखे थे, You have great things to do. Daily सुबह देखते थे और ये चीज लिखी हुई थी उसमें, तो that is very nice and very beautiful about this thing. आप लोग भी ये चीज अपनी लाइफ में डाल के यूज कर सकते हो. उन्होंने अमेरिका में उस जमाने में क्या चल रहा था कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो छोटे ही थे और पेरिस के बाद ही अमेरिका चले गए थे और जाकर के अमेरिकन रिवॉल्यूशन में ये जुड़ गए. और इसके कारण से ये हुआ कि ब्रिटिशर्स जो थे इनको जेल में उठा करके ले गए. तो बस ऐसा करने के बाद जब जेल चले गए, वापस वहाँ से निकले, तो ये फ्रांस आ गए दोबारा से. उस समय फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 का वक्त था और इन्होंने एंडोर्स किया जो आइडियाज़ थे, रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये चीज़ के बारे में इन्होंने बहुत एंडोर्स किया. आगे चल के हुआ कुछ ऐसा कि इन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश करी, लेकिन किसी का भी जो रिज़ल्ट होता था वो पॉजिटिव नहीं आता था, खासकर उस समय तक जब तक ये जिंदा थे. आज तक तो देखो सब लोग अपने UPSC के सिलेबस में पढ़ रहे हैं, UGC नेट के सिलेबस में पढ़ रहे हैं, मतलब कि बहुत महान व्यक्ति थे, सीधी सी बात है. लेकिन उस समय तक इनको ऐसा लगता था कि मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और इसके कारण से उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट किया. और उसमें भी बोलते हैं कि ये नाकामयाब रहे, अब क्या पता उतना अपने को, लेकिन इतना याद रखना ज़रूरी है कि यस, उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट किया था, जो कि बहुत गलत चीज़ है, और उसके कारण से उनकी जो एक आँख की आईसाइट थी वो भी खराब हो गई, मतलब कि चली गई,
एंड आगे चल के पेरिस में ही इन्हें दफनाया गया। थोड़ा सा इनके काम के बारे में जानते हैं। इन्होंने चर्च की जो आइडियाज थी उसको तक चैलेंज कर दिया था। उसको उन्होंने ये बोला था कि यार तुम जो भी बोल रहे हो बहुत ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन एंड गुड, लेकिन जो मेन चीज है जिसके कारण से सोसाइटी जो चलती है, ओके, दैट इज इंडस्ट्री एंड दैट इज साइंस। इस दुनिया में जो भी चीज है वो साइंस से चलती है, ओके, चाहे वो सूरज का सुबह निकलना हो या फिर शाम को सूरज का ढलना हो, कोई आंधी आ रही है, बारिश हो रही है, तूफान हो रही है, कुछ भी चीज हो रहा है, एवरीथिंग इज साइंस। एंड इंडस्ट्री इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो खाते हैं, पीते हैं, वट एवर थिंग्स, घर बन रहे हैं, है ना, वो सब चीज इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, इसीलिए इंडस्ट्री का होना बहुत जरूरी है। इसलिए उस समय इन्होंने ये सब बातें कह रही थी। कार्ल मार्क्स ने इनको यूटोपियन सोशलिस्ट कहा था। एंड ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट पॉजिटिविस्ट मेथड। पॉजिटिविस्ट मेथड क्या होता है? साइंटिफिक मेथड, ठीक है। कोई भी चीज सुपरस्टिशियस नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो किसी एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों की लव मैरिज हो गई और उसके बाद उन दोनों के बीच में डाइवोर्स हो गया, इन केस, तो आप ये नहीं बोल सकते कि यार इनकी तो रब ने जोड़ी नहीं बनाई थी इसलिए इन दोनों के बीच में डाइवोर्स हो गया, अरे इन्होंने अपने माँ बाप को परेशान किया था इसलिए इनके बीच में डाइवोर्स हो गया। नहीं, देर इज साइंस या फिर देर इज समथिंग साइंटिफिक थिंग्स की कुछ चीजें नहीं चल पाती है, समथिंग लाइक, जो भी उसका होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिविस्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। सुपरस्टिशियस बिलीफ में बिल्कुल बिलीव नहीं करते कि किसी के पास गरीबी आ गई है तो ये तो उनकी किस्मत का खेल है। अगर मान लो किसी का बच्चा की डेथ हो गई है लेट से, तो उसके पीछे ये तो भगवान ने की मर्जी थी या फिर भगवान ने उनको बुला लिया, ये सब अपने को नहीं बोलना है। वो पॉजिटिविस्ट मेथड पे बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। एंड ही टॉक अबाउट न्यू क्रिश्चियनिटी। अगर आप देखेंगे कि किताब जो ये लिखते हैं तो एक किताब निकलता है न्यू क्रिश्चियनिटी, तो हाँ, ही टॉक्स अबाउट न्यू क्रिश्चियनिटी। थोड़ा सा उसको एडवांस मॉडर्न बना करके उन्होंने टेक्नोक्रेटिक सोशलिज्म के बारे में काफी बात करी। अब ये टेक्नोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है? मतलब कि इंडस्ट्रियल चीफ शुड कंट्रोल सोसाइटी। जो भी लोग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं वो सीधी सी बात है कि कुछ प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं, वो हवा में बात नहीं कर रहे हैं, दे आर डूइंग समथिंग वेरी प्रोडक्टिव, ओके। इसीलिए उनको सोसाइटी को कंट्रोल करने का पूरा हक है। और जो हमारी सोसाइटी है शुड फॉल टू द मैन ऑफ साइंस। अगर इंसान यहाँ पर साइंटिफिक चीजों से हर चीज करे, फैक्ट्स के आधार पर सब चीज करे, तो दैट इज क्वाइट गुड ना। एंड उन्होंने, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था, ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय आइजैक न्यूटन, तो उन्होंने सोशल फिजिक्स नाम रख दिया था और आगे चल के यही नाम जो है उसे सोशियोलॉजी रखा गया। तो यस, क्वाइट नाइस। एंड ही एडवोकेटेड ऑर्गेनिक एनालॉजी टू स्टडी सोसाइटी। उनको ऐसा लगता था अगर हमें किसी समाज को पढ़ना है तो उसके लिए ऑर्गेनिकली एनालॉजी के थ्रू हमें पढ़ना चाहिए। तो या दिस इज ऑल अबाउट सेंट साइमन। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं दोबारा से फॉर्म में आ गई हूँ अब अच्छे से, कि सिर्फ सोशियोलॉजी करने और कुछ नहीं, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हाट आई न्यू। या बाकी सब दूसरे चैनल में आएगा अगर कभी चैनल बनता है तो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने अभी तक अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अनअकैडमी पे आप कोड यूज कर सकते हैं sakshi.patel181। उसमें क्या होता है कि 3 से 4 दोपहर में मैं डेली स्पेशल क्लास, जो कि फ्री क्लास होती है 1 घंटे की, वो लेती हूँ, तो आप अनलॉक कर सकते हैं क्लास को। और जो प्लस सब्सक्रिप्शन है जिसके कारण आप UGC नेट की बहुत कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो मेरे साथ, आप उसमें भी आ सकते हो। यूज माई कोड sakshi.patel181। सबसे अच्छी बात यह है कि सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मुझसे ही पढ़े। आप उस महीने में, मान लो आपने 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो आप 6 महीने किसी भी टीचर से paper 1 paper 2 पढ़ सकते हो, दैट इज क्वाइट फ्री। तो यार, दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच एंड सी यू बाय इन द नेक्स्ट वीडियो। कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि डिफरेंट या फिर दूसरे थिंकर कौन से चाहिए। ओके, सी यू बाय।